आंसू बहाने वाले बहुत मिल जाएंगे, सहानुभूति दिखाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन धरती पर। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद और आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। गुजरात में चुनावी बिगुल बज चुका है। गुजरात में इस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात के शोहरा में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मंच से जनता को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा, घड़ियाली आंसू बहाने वाले बहुत मिल जाएंगे, सहानुभूति दिखाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आदिवासियों की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम सिर्फ बीजेपी ने किया है। आंसू बहाने वाले बहुत मिल जाएंगे, सहानुभूति दिखाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन धरती पर अगर किसी ने आपकी तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने जनजाति गौरव दिवस मना करके जनजातियों का गौरव बढ़ाया है। राष्ट्रीय जनजाति संस्थान बनाकर जनजातियों के योगदान को आगे बढ़ाया है। ओबीसी आयोग को पीएम मोदी ने संवैधानिक दर्जा दिया है। आज राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से ओबीसी भाइयों की चिंता करना, उनके समाज में गौरवनीय इतिहास को ध्यान में रखते हुए उनको स्थान दिलाना और उनकी रक्षा करने का काम बीजेपी कर रही है। आज अगर मैं बात करूं आदिवासी भाइयों की दृष्टि से, तो जनजाति गौरव दिवस मनाने के लिए किसने मना किया था? किसने कहा था कि आज दिन तक ट्राइबल वेलफेयर इंस्टीट्यूट नहीं बनना चाहिए? किसने कहा था कि राष्ट्रीय दृष्टि से आदिवासियों के गौरव का जो इतिहास है, जो उन्होंने आजादी की लड़ाई में लड़ा है, उसका संग्रहालय नहीं बनना चाहिए था? किसने कहा था कि राष्ट्रीय संस्थान जिसमें आदिवासी भाइयों का योगदान है उस पर रिसर्च होनी चाहिए? किसने रोका था? लेकिन किसी ने किया नहीं। आज मुझे खुशी होती है ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनजाति गौरव दिवस मना करके जनजातियों का गौरव बढ़ाया है। राष्ट्रीय जनजाति संस्थान बना करके जनजाति भाइयों की दृष्टि से किया गया योगदान, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और 27 ऐसे संगठन क्षेत्रवार बनाए हैं जो राजनीतिक दृष्टि से, जो हमारे जनजाति भाइयों ने जो आजादी की लड़ाई में योगदान किया है, उसको संग्रह करके देश के सामने रखना ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया। गुजरात में मुख्यमंत्री अमृत योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें 48 लाख लोगों को और जोड़ा गया। हमारी डबल इंजन की सरकार द्वारा हर गरीब के इलाज की व्यवस्था की गई। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, जवाहरलाल नेहरू ने एक एम्स खोला, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने छोटी सी अवधि में 6 एम्स खोले, पीएम मोदी ने 15 एम्स खोले और गुजरात में भी राजकोट की धरती पर एक एम्स खोला गया। इस देश में टिटनेस की दवा का आने में 25 साल लग गए, स्मॉल पॉक्स की दवा आने में 28 साल लग गए, टीबी की दवा आने में 30 साल लग गए, जापानी बुखार की दवा आने में 100 साल लग गए, जबकि पीएम मोदी ने 9 महीने के अंदर कोरोना की 2-2 वैक्सीन बनाकर भारत को सुरक्षा कवच देने का काम किया। जनधन योजना के तहत प्रधानमंत्री ने 20 करोड़ बहनों को कोरोना के दौरान 500 रुपए का सहयोग 3 महीने तक पहुँचाया। ना कोई पोस्टमैन, ना कोई पोस्ट ऑफिस और ना ही कोई मनी ऑर्डर, ये पैसा सीधा हमारी बहनों के खातों में गया। सरदार पटेल को कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया, लेकिन 182 मीटर ऊंचा स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल के सम्मान को बढ़ाया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे पर्यावरण पोस्ट। आंसू बहाने वाले बहुत मिल जाएंगे, सहानुभूति दिखाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन धरती पर। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।